फैक्ट नंबर वन, दोस्तों आप कहीं भी आने जाने के लिए या किसी जगह की लोकेशन को ढूंढने के लिए गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं, बट आज तक हमने कभी सोचा है कि उसमें जो आवाज़ आती है वो आखिर किस लड़की की होती है? दोस्तों आपको बता दें, वो जो आवाज़ आती है वो कंप्यूटराइज आवाज़ नहीं होती है, बल्कि एक रियल लड़की की आवाज़ है। और इस लड़की का नाम है कैरन जैकोब्सन, जो ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है। फैक्ट नंबर टू, दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि लोग गंगा नदी में या ऐसी बहुत सारी पवित्र नदियां हैं जिनमें सिक्के फेंककर अपनी मन्नत मांगते हैं। आजकल इसे धार्मिक चीजों से भी जोड़ा गया है, बट क्या आपके दिमाग में कभी आया है कि इन सिक्कों को पवित्र नदियों में क्यों फेंका जाता है और इसके पीछे का साइंटिफिक कारण क्या है? दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है कि इतनी सारी आज टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हमारे जो पूर्वज थे बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे। दोस्तों बात करी जाए सिक्के की, नदियों में ये सिक्के क्यों फेंके जाते थे, तो आपको पता होना चाहिए पहले के जो सिक्के होते थे वो कॉपर से बनाए जाते थे और हमारे पूर्वज अच्छी तरीके से जानते थे कि कॉपर जो होता है पानी को साफ कर देता है, इसीलिए उन्होंने यह प्रथा बनाई थी कि सिक्कों को पानी में डाला जाए जिससे पानी साफ रहे और हम बहुत सारी खतरनाक बीमारियों से दूर रहे। फैक्ट नंबर थ्री, दोस्तों सैकड़ों सालों से आप देख रहे हैं कि हमारे वैज्ञानिक टाइम मशीन बनाने पर लगे हुए हैं और हो सकता है वो भविष्य में टाइम मशीन बना ले और टाइम ट्रेवल करने के साथ साथ वो टाइम को फ्रीज भी कर सके, बट उसके पहले आप लोग एक चीज जान लीजिए कि हम लोग किसी वस्तु को कैसे देख सकते हैं। दोस्तों यह तो आपको भी अच्छी तरीके से पता होगा, जब किसी ऑब्जेक्ट की लाइट हमारी आंखों की रेटिना में पड़ती है तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। और चलिए मान लीजिए टाइम को हम लोगों ने फ्रीज कर दिया, उसके बाद भी हम लोग नहीं देख सकते हैं, क्योंकि अगर हम टाइम को फ्रीज कर देंगे तो उसके साथ साथ जो लाइट होगी वह भी फ्रीज हो जाएगी और जब लाइट हमारी आंखों के रेटिना पर पड़ेगी ही नहीं तो हमारी आंख उस ऑब्जेक्ट की इमेज बना ही नहीं पाएगी जिससे हम लोग उसको देख ही नहीं सकते, और इस तरीके से हम किसी चीज को देख नहीं पाएंगे। तो अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।